अस्सलाम वालेकुम। जब से लोगों ने ये सीन देखा उसके बाद सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे शादी को रोका जाएगा। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन इमरान तेगन, जिसका ये कहना था कि हम हर हाल में शादी रोकेंगे, और जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई ऐसी रुकावट पैदा करेगा जिससे ये शादी रोके। अब रुकावट कौन सी हो सकती है? नाजरीन जहाँ तक मेरी राय है, ये गंदूजबे के साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से गंदूजबे उस्मानबे के खिलाफ हो जाएंगे। अब वो क्या हो सकता है ये तो हम एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा ये कहता है कि इमरान तेगन गंदूजबे के सिपाही को कत्ल करवा देगा और जो उसका इल्जाम होगा वो उस्मानबे पे डाल देगा। या तो वो गंदूजबे का सिपाही होगा या फिर गंदूजबे का कोई और करीबी, जिस वजह से गंदूजबे उस्मानबे के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये मुखालफत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इमरान तेगन ऐसा भी कर सकता है कि इनके बीच होलाफिर को ले आए और शादी रुकवा दे, जिस वजह से गंदूजबे उस्मानबे के खिलाफ हो जाए। लेकिन जैसे ये वक्त गुजरेगा इनकी मुखालफत दूर हो जाएगी और आखिरकार शादी भी होगी। अब होलाफिर अभी किले में है जहाँ से इसको रोहान निकालेगा। आने वाले चंद एपिसोड में रोहान इसके ऊपर हमला करेगा, यानी इस किले पर हमला करेगा। उस्मानबे साथ होंगे और होलाफिर को बचाएंगे, जिसके बाद इनकी शादी होगी। और ऐसा होना भी मुमकिन है कि इमरान तेगन होलाफिर से शादी करने की कोशिश करे, ऐसा होना भी मुमकिन है। हो सकता है कि ऐसा ही हो जिस वजह से उस्मानबे होलाफिर को बचाए और गंदूजबे इनके खिलाफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।